अंशिका क्लास ज्वाइन करो बेटा, हर्षिता तुम भी क्लास ज्वाइन करो। यस हाँ जी ठीक है। सर ये कनेक्ट कर दो सर, माइक ईयरफोन शायद अभी डिस्कनेक्ट हुआ है, आवाज बाहर आ रही। कनेक्ट है? हाँ मुस्कान कुछ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो भाई साउंड मिल रहा है? यस सर। हाँ ठीक है सर, कनेक्टेड है। ठीक है सर, कनेक्ट अच्छा राजुल सर, इसको उसमें लगा दियो ना रिकॉर्ड में, कोई नहीं चीज। ठीक है। हाँ भाई पीडीएफ भेज दिए थे मैंने, तो देख लो उसमें, पासवर्ड ही मैंने बता दिया था आप लोगों को, 9425184292, उसी से कवर करेंगे चैप्टर ज्यादातर। ठीक है, चैप्टर की हेडिंग डाल लो यार, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो वैसे बोलते हैं यूनिट का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो सबसे पहले जहां से चैप्टर का नाम ये है, बट यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है, और दो पार्ट में पढ़नी है हमको, एक पार्ट वन जाएंगे और एक पार्ट टू पढ़ेंगे, ठीक है ना। पार्ट वन में क्या क्या पढ़ना है? पार्ट वन में हमको पढ़ना है चार्ज के बारे में, अभी दो पार्ट हैं, तो एक तो आएगा अपने पास पार्ट वन, दूसरा पार्ट टू रहेगा पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में क्या रहेगा हमारे पास? देखो देखो चार्ज रहेगा, ठीक है, फिर क्या रहेगा? फोर्स रहेगा, और फिर तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, फिर अब ये इतना काफी है पहले पार्ट के लिए। फिर दूसरे पार्ट में चढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, एनर्जी। बेसिकली ये टॉपिक हमको कवर करने हैं, ये टॉपिक जो है इतने टॉपिक हमको यार कवर करने हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में और टू में। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने मटेरियल में बहुत डीप में लिख लिख करके दिया है, खूब भर भर के लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि आपको ज्यादा जानकारी हो, बट जो मैं बोलूंगा ना पूरा फीलिंग वही निकलेगी, है ना। फिर मटेरियल को आप जो है उसको खंगाल खंगाल के पढ़ना भी, तो लिखना कैसे एग्जाम में वो मटेरियल की लैंग्वेज में लिखना, या आप तो एमसीक्यूज आने हैं तो एमसीक्यूज कराएंगे अपन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भाई? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ओके, तो ये क्या है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, क्योंकि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में अपनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, है ना। फिजिक्स में अलग अलग ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ी? स्टडी ऑफ फोर्स। फिर अपन ने काइनेमेटिक्स पढ़ी उसके पहले, है ना, स्टडी ऑफ मोशन, है ना जी। फिर अपन ने साउंड पढ़ी, है ना, स्टडी ऑफ वेव्स पढ़ी अपन ने, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ी, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट,
देन हाइड्रोडायनेमिक्स आया, बर्नौली थ्योरम वगैरह, स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन। तो ऐसे ही ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लिखो तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जिसमें हम चार्ज के रेस्ट पर होने वाले प्रभाव को पढ़ेंगे। चार्ज अगर रुका हुआ है तो क्या क्या करेगा, एक रुका हुआ चार्ज आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, इस चीज को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? अब वैसे तो बहुत, हाँ, इलेक्ट्रो का सिंपल मीनिंग चार्ज। आ जाओ, इलेक्ट्रो का जो सिंपल मीनिंग है वो आप चार्ज से निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रो वर्ड देखते हो तो मन में क्या आता है, बैठो भाई, है ना, मन में क्या आता है, इलेक्ट्रो वर्ड देखते ही इलेक्ट्रॉन, क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। यार इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज। ऐसे समझो कि हमारी बॉडी इतनी बड़ी हो गई है, एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके तो बनी होगी। हमारी बॉडी को ग्रीन कर दो तो सबसे छोटा पार्टिकल एक तो होगा ना कोई बॉडी का, है ना। तो ऐसे ही जो चार्जेस हैं, चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, है ना। जैसे 1 किलो शक्कर लेकर के आते हो तो जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसका, शक्कर का सबसे छोटा दाना, ऐसे ही किसी बॉडी के ऊपर खूब सारा चार्ज है तो उसका जो सबसे छोटा नन्हा पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन खुद में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अभी इस पर बहुत बात करेंगे और आज की बात तो पूरी भावनाओं पे ही चलने वाली है, क्योंकि पूरी फीलिंग चलेगी आज की क्लास में कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, चार्ज आता कैसे है, ये सब सारी बातें। तो मैं अब ये तो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब जानते हो, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, रेस्ट। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन भैया रेस्ट पे है। अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या प्रभाव देगा? तो भैया अगर फूल लगा लिया गमले में, एक गमले में फ्लावर लगा लिया है तो क्या करेगा, खुशबू मारेगा। एक गमले में आपने फूल लगा लिया है तो क्या करेगा, खुशबू मारेगा, और वो खुशबू दे करके अपने आसपास वाले भोरे भोरियों को बोलेगा, आ जाओ मेरे ऊपर बैठो, समझ गए ना, इनको सबको अपने पास बुलाएगा, सबको अपने पास बुलाएगा, बोलेगा आ जाओ मेरे पास बैठो। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनको इसकी खुशबू पसंद नहीं होगी, है ना, कोई कहते मेरे को गुलाब से एलर्जी है, तो वो दूर भी जा सकता है और इधर वाले पास में आएंगे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे एक रुका हुआ फूल अपने चारों तरफ इम्पैक्ट दिखाता है, दिखाते को मतलब एग्जर्ट करता है, क्या करता है, एग्जर्ट करता है। दो चीज होती है, मैं तुम्हारी ताकत को महसूस करूं, दैट इज कॉल्ड रियलाइज, और दूसरा मैं अपनी ताकत को तुम पर महसूस करवाऊं, दैट इज कॉल्ड एग्जर्ट, समझ गए ना। मैं अपने ज्ञान को तुम पर थोप रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एग्जर्ट, ये मैं क्या कर रहा हूं, एग्जर्ट कर रहा हूं, समझ गए ना। और मैं तुमको बिना फिजिकल टच करे, बिना तुम्हारे बाल खींचे, कान खींचे, नाक खींचे, मैं तुमको सिखा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। काश कोई ऐसी टेक्निक होती कि पीके के जैसे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता और सारा मेरा ज्ञान अंदर का तुम्हारे अंदर चला जाता, तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ऐसा कुछ है नहीं, कुछ अपनी लाइफ में, है ना, पीके ने पकड़ा था ना हाथ, याद है सारा ज्ञान आ गया था। तो भैया ऐसे ही, तो ये अपना कंडक्शन अभी अपन जो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, ये कहलाएगा अपने पास इंडक्शन। चलो ठीक है, तो ये इंडक्शन कहला गया। कंडक्शन होता है, कंडक्शन मेटल में ही होता है, और इलेक्ट्रिसिटी विद द कंडक्शन ही फ्लो होती है, समझ गए ना, इलेक्ट्रिसिटी विद द कंडक्शन, क्योंकि कंडक्टर में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट जरूरी होता है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट, ये बहुत जरूरी होता है। टॉपिक पे वापस आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मगर इलेक्ट्रॉन कभी अकेला नहीं देखेंगे हम, क्योंकि एक कंडक्टर ले लो, एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, मेटल का छोटा सा पीस ले लो, रिंग ले लो, अंगूठी ले लो, चिमटी ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉन को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, चार्ज।
क्या बोलते हैं, चार्ज। तो लॉजिक की बात की जाए तो क्या है चार्ज, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का गुच्छा, मतलब चार्ज हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, या चार्ज हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन, या चार्ज हो सकता है तीन इलेक्ट्रॉन। मैथमेटिक्स की भाषा में बोलेंगे तो चार्ज हो सकता है एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? सो क्यू इक्वल्स टू एन ई, मतलब किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज पाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। समझ गए ना? किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज पाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल की फॉर्म में होगा। शक्कर लेने जाते हो, एक किलो शक्कर है, जितना भी शक्कर आता है, जितना भी शुगर आता है, वो छोटे 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 दानों का मल्टीपल होता है। घर वाले पूछे कितने शक्कर लेकर के आए, बोलो 1 करोड़ दाने लेके आया हूँ, है ना, गिनने बैठो बूढ़े हो जाओ, ठीक है ना। तो 1 करोड़ दाने लेकर के आया हूँ, है तो वो सारे छोटे 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 मल्टीपल। क्यू इक्वल टू एनी, ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड, मतलब जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के छोटे 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 पैकेट की फॉर्म में मिलता है। समझ गए ना? इसको बोलते हैं डिस्क्रीट नेचर। क्या बोलते हैं इसको? दो चीजें होती हैं, एक होती है एक एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है कंटिन्यूअस नेचर और एक होता है डिस्क्रीट नेचर। कंटिन्यूअस नेचर का मतलब जिन चीजों में आप पैकेट सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते उसको कंटिन्यूअस सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तेल खरीदने जाओ, भाई साहब तेल चाहिए, तेल लीटर में नापा जाता है ना, पेट्रोल लीटर में नापा जाता है, कोई भी ऑयल ले लो लीटर में नापा जाता है। ये तो नहीं कि ये एक बंडल तेल फेंक के मारा, ले ले भाई एक बंडल तेल, नहीं। बट साबुन की बट्टी लेने जाओगे तो वो डिस्क्रीट मिलेगी आपको, या तो एक साबुन आएगा या दो साबुन आएगा या तीन साबुन आएगा, 4.25 साबुन नहीं आएगा, मगर 4.25 लीटर पेट्रोल पॉसिबल है। समझ गए ना? 1.1 लीटर भी पेट्रोल पॉसिबल है। देखे होगे ना पेट्रोल में घड़ी का काटा घूमता रहता है उसका, किट 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 किट, एक के बाद फिर से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 0 आ जाता है ना, यस। तो वहां पे ऐसा नेचर जो वन एक के बाद डायरेक्टली दूसरे पे स्विच हो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। और जिसमें लगातार सिस्टम हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। तो दो सिस्टम चलते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिस्क्रीट। तो हमारे सिलेबस में भी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे सिलेबस में भी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके का आएगा, एक आएगा डिस्क्रीट और एक आएगा कंटिन्यूअस। अब समझो, जैसे मेरे हाथ में ये उंगली ले रखी है मैंने, अब मैंने क्या किया, मैंने अंगूठी पहना नहीं इस उंगली में, तो मैंने एक छल्ला डाला, पहला रिंग डाला, ठीक है, वो रिंग थोड़ी दूर तक फंस गई, फिर मैंने एक गैप कांस्टेंट मेंटेन रखा और फिर मैंने दूसरा छल्ला डाला, वो थोड़े गैप के बाद इधर पे आ गई, फिर तीसरा छल्ला डाला वो तीसरी आ गई, फिर चौथा छल्ला डाला चौथी आ गई। तो ये है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करो, रिंग चढ़ाना है, तो नीचे एक तार पकड़ो और हाथ में घुमा करके पूरा 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 एक तार ऊपर कर दो, लो पूरे रिंग रिंग पूरी उंगली में वो आपका रिंग लपेट जाएगा, हाँ या ना? मतलब हर एक पॉइंट में आपका मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हर एक पॉइंट में। इसको बोलोगे क्या? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब याद रखना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को समेटने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कौन सा मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल होता है? इंटीग्रेशन। कौन सा इस्तेमाल होता है? इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ना? और जब डिस्क्रीट करते हो तो कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? समेशन। कौन सा इस्तेमाल होता है? समेशन। तो समेशन को टोटल करने के लिए, सॉरी, डिस्क्रीट को टोटल करने के लिए समेशन का इस्तेमाल होता है और कंटिन्यूअस को टोटल करने के लिए इंटीग्रेशन का। तो ये होता है डिस्क्रीट के लिए और ये होता है भैया कंटिन्यूअस। हाँ, तो अपनी पूरी फिजिक्स इंटीग्रेशन में चलेगी, क्योंकि अपन हर जगह समेटने का काम करेंगे, कहीं मैग्नेटिक फील्ड को समेटेंगे, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को समेटेंगे, है ना, ये अपन करते रहेंगे, पूरी बॉडी में समेटेंगे, ठीक है ना, यस। चलो, तो थोड़ा लिख लो कुछ काम की चीजें हो तो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन बता दी मैंने, मतलब द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब देखो, अब थोड़ी और ज्यादा घुस करके डेफिनेशन की बात की जाए ना, तो ये सारा मामला आया कहां से, थोड़ा और देखो। फिजिक्स की एक ब्रांच आई बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स की एक ब्रांच पूरी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बाद में वो इलेक्ट्रॉन मर्ज हो गए तो बन गए चार्ज, मेरी क्या गलती भाई उसमें, इलेक्ट्रॉन बाद में खूब सारे हो गए तो क्या कहला गए? चार्ज। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो ब्रांच बनी, एक बनी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट और एक बनी स्टडी
ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एट मोशन। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन बोलू ना तो आप मन में क्या सीन क्रिएट करो, अकेला इलेक्ट्रॉन, चलो भाई ठीक है। हर्षिता, हंशिका बेटा जुड़ चुके हो, यशराज? यस सर। ठीक है, यस सर। हंशिका की रिप्लाई नहीं आ रही बेटा, मैसेज कर दो, हंशिका नहीं जुड़ी तो। चलो ठीक, तो ये मैं ये कह रहा था कि जब भी आप मतलब इसकी बात करते हो इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसको काजल सर, अरे इसको सर एयरप्लेन मोड में डाल दो, इसमें कॉल आ रहे हैं। तो जब भी आप जो है इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कहा दो क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट एंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट मोशन। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका नाम ज्यादा बेहतर है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टडी ऑफ, तो पहला पार्ट मैंने बता दिया भाई, देखो क्या क्या पढ़ना है, ये तो आउटलाइन हो गई सब्जेक्ट पे जाने के पहले, अब सब्जेक्ट के अंदर चल रहे हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, टॉपिक बनेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट मोशन दैट इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। एक में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था और एक में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो पहला टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें ही दो पार्ट अपन को चैप्टर नंबर वन बना दिया गया है और चैप्टर नंबर टू बना दिया गया है, ठीक है, और ये पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर थ्री। हाँ, तो ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी यही है, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर थ्री। अब बात करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लिखो भाई कॉपी में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, एलिमेंट्री, सबसे बेसिक, मूलभूत, एलिमेंट्री, सबसे बेसिक। देखो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ, हैविंग ए चार्ज ऑफ नेगेटिव, ऑफ नेगेटिव 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, जिसके ऊपर नेगेटिव 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज होता है वो एक पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज का पार्टिकल। ठीक है, ये नोट कर लिया था तुम लोगों ने, इसको नोट कर लो, ये थोड़ा सा जरूरी है, इससे क्या फीलिंग आती पढ़ने की। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट मोशन, दिस इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे आगे, डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्लियर, लिखते जाना क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते जाओ, उसको करना पड़ेगा, इसके भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, नहीं नहीं यहां वाले फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, चलो देखो बच्चों, तो पहली चीज बहुत सारे बच्चे समझते हैं चार्ज क्या होता है, चार्ज एक पार्टिकल होता है, भैया गलत है,
पहले ये समझते हो चार्ज क्या होता है। आप सोचते होगे कि चार्ज एक पार्टिकल होता है। नहीं 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 बोलो, चार्ज पार्टिकल पे होता है। चार्ज जो है पार्टिकल पे होता है। चार्ज जो है क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक क्या है? प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रेंसिक, अंदरूनी, अंदर से ही उत्पन्न होती। दैट इज कॉल्ड इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई एनी मैटर। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कोई भी मैटर एक्वायर कर सकता है। ओके, चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई एनी मैटर। क्यों? बट क्यों एक्वायर करेगा कोई प्रॉपर्टी, कोई चार्ज किसी प्रॉपर्टी को क्यों एक्वायर करेगा? इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस की वजह से। लिखिए और अच्छे से क्लियर करूंगा अभी। लिखिए, लिखो चार्ज। चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई मैटर मैटर ओके मैटर को मटेरियल बोल दो बड़े फॉर्म में। मैटर को आप बड़े फॉर्म में क्या बोल दो? मटेरियल। तो चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई मैटर और मटेरियल, है ना? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस, ठीक है ना? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस। कोई इंसान था, अच्छा सही शॉट था, बढ़िया था, उसके माइंड में सब जितने केमिकल वेमिकल थे सब कुछ सही शॉट थे, ठीक है ना? कुछ गड़बड़ हो गया, अपनी पोजीशन से खिसक गया, अब उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी, है ना? ऐसा ही इसमें होता है। तो चार्ज क्या है? इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है। और वो क्यों एक्वायर होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस की वजह से। अब आप सुनिए, चार्ज कैसे एक्वायर होता है। मान लो मैं उधर से नॉर्मली मूड से आ रहा हूँ, क्रिकेट देख करके आ रहा हूँ, इंडिया हारी हुई है, या कुछ और, मैं शादी के मूड से आ रहा हूँ, बैंड बैंड बज रहा था बढ़िया, अपन डांस वांस करके आ रहे थे, ठीक है ना? और जैसे मैं आया यहाँ और मैंने देखा यहाँ पर बेहतरीन सैनिकों की परेड चल रही है और गाने बज रहे हैं देशभक्ति के, ठीक है? तो उधर से मैं नॉर्मल मूड से आ रहा था, बट जैसे मैं यहाँ आऊंगा तो मेरे अंदर किसके भाव क्रिएट हो जाएंगे? पेट्रियोटिज्म के। क्लियर हुआ ना? वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वहां से एक नॉर्मल पार्टिकल आ रहा था, एक नॉर्मल पार्टिकल चल करके आ रहा था जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने क्या थे? प्रोटॉन। तो यहां से एक नॉर्मल सिचुएशन का पार्टिकल चला, एक आम इंसान, आम पार्टिकल, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी आया, ये आया, इधर पे माहौल बदला, तो मैटर वही है, मैटर वही है, मटेरियल वही है, सबस्टांस वही है। शुरुआत में क्या था? न्यूट्रल था। शुरुआत में क्या था? मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, मतलब जितने पॉजिटिव पार्टिकल उतने ही नेगेटिव पार्टिकल। तो नेट चार्ज क्या था? जीरो था। नेट चार्ज जीरो था। अब चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, चार्ज डेवलप हुआ है, देखो, है ना? क्रिएट होना मतलब पैदा करना, और डेवलप मतलब उसी में नर्चर करना, ठीक है ना? जैसे आपके अंदर ज्ञान डेवलप हो रहा है ना, अंदर से ही, तो कंसेप्ट लॉजिक वॉजिक तो वही है, कोई दूसरा ब्रेन तो फिट होता नहीं है ना। तो यहां से आया, अब यहां पर इसको कुछ फील हुआ, मतलब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये माहौल इसका बिगड़ा, कुछ इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, सपोज दो इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपको इजीली समझ में आ गया, इसलिए मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया। मैग्नीशियम के दो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके चले गए, तो अब बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बचे? 12। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है? 12 होता है ना, 12। तो दो इसके अंदर प्रोटॉन बचे और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो 12 प्रोटॉन को लाइन से लिख मारो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 10 इलेक्ट्रॉन को लिख डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो, तो ये एक दूसरे के नेचर को ये तो समाप्त कर देंगे ना, केवल दो
इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का नेचर बचा रह जाएगा, वही इसके ऊपर चार्ज का काम करेगा। तो अब क्या लिखोगे कि Mg प्लस टू, समझ गए? तो क्या फीलिंग लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि भैया मैटर वही था और मैटर के ऊपर चार्ज आया है, चार्ज कोई पार्टिकल अलग से पैदा नहीं हुआ था है, उसी पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस क्या हुआ, डिसबैलेंस हुआ ना, जब तक बैलेंस था तब तक क्या था, न्यूट्रल था, और जैसे डिसबैलेंस हुआ आइदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। निगेटिवली चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा और पॉजिटिवली चार्ज होने के लिए अपने खुद के इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब कोई बोले सर पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा क्या, अरे नहीं यार कभी कुछ नहीं होता पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होते हैं, प्रोटॉन होते हैं ना, ना कोई प्रोटॉन ले सकता है और ना कोई प्रोटॉन दे सकता है, जो भी होना है भैया इलेक्ट्रॉन के साथ ही होना है। तो इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो पॉजिटिव होता जाएगा, देने वाला धनी होता है, देने वाला क्या होता है धनी, धन मतलब धनवान, और जिसके पास धनवान है धन है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को हिंदी में धन बोलते हैं, तो देने वाला प्लस हो गया, और लेने वाला क्या होता है ऋणी, ऋण सुने हो, ऋण मतलब कर्ज, कर्जदार, तो कर्जदार ले जो लेगा वो क्या होता जाएगा नेगेटिव होता। अब यहां पर एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज दे हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज बन रही है, तो बताइए उसका मास बढ़ेगा, मास घटेगा या अनचार्ज रहेगा, बोलो सिंपल सी बात, बोलो सवाल का जवाब दो। अगर कोई बॉडी चार्ज डोनेट कर रही है सेम रहेगा, भाई देखो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मतलब अपने इलेक्ट्रॉन खर्च करना, तो इलेक्ट्रॉन के मास कम होते जाएंगे ना, तो आंसर चार्ज क्या उसका जो मास होगा क्या होता जाएगा पॉजिटिवली चार्ज तो हो रही है बट मास कम होगा, मास क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। और कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स ले रही है नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, समझ में आ गया? तो एक एक सा थ्योरी क्वेश्चन हो गया। और एक सवाल सुनो, एक साबुन का बुलबुला है वो इलेक्ट्रॉन्स लेते जा रहा है, मतलब पहले न्यूट्रल था, पहले क्या था न्यूट्रल था, चलो सुनना ध्यान से, एक साबुन का बुलबुला है, दो केसेस में आपको सुना रहा हूं, एक में वो इलेक्ट्रॉन लेते जा रहा है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स लेते जा रहा है इलेक्ट्रॉन। दूसरा सीन देखो, एक साबुन का बुलबुला है इलेक्ट्रॉन देते जा रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन गया चार्ज कितना आया प्लस वन यूनिट, प्लस वन यूनिट, अब बोलता हूं यूनिट मगर कूलम्ब की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा बचेगा, जैसे यहां पर दो इलेक्ट्रॉन बचे थे ना, चलो जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना प्लस बचेगा वन प्लस, एक प्रोटॉन का चार्ज एक्सेस बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो भैया वन पॉजिटिव वन यूनिट प्लस बोलते हैं, वन यूनिट प्लस चार्ज, मगर इसका जो एक्चुअल कूलम्ब होता है वो कितना होता है पॉजिटिव 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 नेगेटिव का चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 इतने का चार्ज होता है, समझ में आया ना? हम लोग यूनिट में कुछ चीजों को यूज कर लेते हैं ना, हम लोग कुछ चीजों को यूनिट में इस्तेमाल कर लेते हैं, अब इतना बड़ा चार्ज कौन बोले, तो बोले वन यूनिट चार्ज, तो वन यूनिट मतलब एक पॉजिटिव प्रोटॉन, तो 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19। तो मैं सीन पे आ रहा हूं वापस, एक साबुन का बुलबुला, एक केस इलेक्ट्रॉन लेता गया नेगेटिवली चार्ज होता गया, दूसरा केस इलेक्ट्रॉन देता गया पॉजिटिवली चार्ज होता गया। सवाल बताइए कि साबुन का बुलबुला किस केस में बड़ा होगा किस केस में छोटा होगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला केस क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा कि ले रहा है, पहला वाला केस इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दूसरा वाला केस इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, दे रहा है, मतलब पहले केस में क्या हो रहा है चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है और दूसरे केस में कैसा चार्ज हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको बताना है कि किस केस में इसकी साइज बढ़ेगी, लेने में पहले वाले में, अच्छा चलो ठीक है, न्यूट्रॉन का तो कोई पंगा नहीं है, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है उसे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल भाई न्यूट्रल भाई आंसर है दोनों ही केसेस में उसका साइज बढ़ेगा, दोनों ही केसेस में उसका साइज बढ़ेगा। चलो अब देखो कैसे,
ये न्यूट्रल सीन था, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस ले रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेस लिया, तो आप क्या समझ रहे हो, इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया। चार्ज बैठता कहां है भाई, बैठेगा तो सरफेस के ऊपर ही बैठेगा ना, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, क्या होगा, और ज्यादा ले लिया तो और नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा बोलो, रिपल्सन की अट्रैक्शन। अरे नेगेटिव है, टेंथ में काहे को अट्रैक्शन, कहां अट्रैक्शन लगेगा भाई, एक नेगेटिव आ गया, एक और नेगेटिव आ गया, एक और नेगेटिव आ गया, तो जितने सेम चार्जेस आ रहे हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन। अब ये बताओ, जितने बाहर से नेगेटिव आ रहे हैं, इनके बीच खटपट और बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये लोग दुखी होने लगेंगे और ये बोलेंगे भग जा मेरी नजर के सामने से, है ना, तुम दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ। तो ये क्या करेंगे, दूर होने के लिए क्या पास आएंगे कि फैलेंगे, फैलेंगे, समझ गए ना। तो इस केस में भी निगेटिव चार्ज आता जा रहा है, इस वजह से ये एक्सपेंड होंगे। अच्छा, सेकेंड केस में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, सेकेंड केस में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, सेकेंड में क्या आ रहा है, अच्छा, तो एक पॉजिटिव के बाद दूसरा पॉजिटिव आ जाए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, तो भैया तब भी फैलेंगे, रिपल्शन केसेस में जो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे थ्योरी वाले, बिल्कुल बेसिक से। चलो, तो हो गई बात इलेक्ट्रॉन की, चार्ज की बात कर ली, व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। चार्ज किस पे आता है, मैटर पे आता है, मास पे आता है, लिखो चार्ज मास एनालॉजी, चार्ज मास एनालॉजी, चार्ज मास एनालॉजी, किसका कंपैरिजन बेटा, दोनों सेम अमाउंट में बढ़ेंगे घटेंगे, दोनों सेम। देखो, पॉजिटिव आएगा तो भी रिपल्सन होगा तब भी साइज फैलेगा, नेगेटिव आएगा तब भी रिपल्सन होगा तब भी साइज फैलेगा। अरे फिर आप उस पे मत जाओ ना, जो जो चार्ज आता है वो कहां आता है, आउटर आता है, कहां आता है, सरफेस पे आता है, अंदर को छोड़ दो, अंदर बिल्कुल नहीं जाओ, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, ये हो गई बात। तो हम क्या लिखा, क्या लिखा रहे थे, चार्ज मास एनालॉजी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, हाँ ठीक है, चार्ज मास एनालॉजी, ये बताओ मास के ऊपर चार्ज आता है कि चार्ज के ऊपर मास आता है, बस यही है, मास के ऊपर चार्ज, मतलब मास पहले से है और चार्ज उस पर डेवलप होगा, समझ गए ना, मास पहले से ही है, चार्ज उस पर डेवलप होगा। जब हम पैदा हुए थे तो हमको कुछ नहीं बनता था, तब हम केवल मास थे, और फिर हमको बनने लग गया तो हमारे अंदर चार्ज आ गया, ऐसा समझ लो, समझ गए ना। अब दूसरी बात बोलूंगा कि ऐसे इसको कैसे बोला जाए, हाँ, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, या मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ लिखो, यही है एनालॉजी, लिखो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। हर्षिता समझ में आ रहा बेटा, मुस्कान, यस सर आ रहा है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज जो है मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बिल्कुल, बट मास कैन एग्जिस्ट। आपके कहने का मतलब है, मैं कह रहा हूं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चलो सुष्मिता एग्जाम्पल दो कि भाई ऐसा सीन बताओ जहां पर मास तो एग्जिस्ट करे, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, एक नहीं नहीं नॉर्मल सिचुएशन नहीं, वो तो एक अपनी फीलिंग वाली सिचुएशन हो गई, अपने नॉर्मल लाइफ में बताओ इस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट वाला लेकर के, बहुत सिंपल सवाल है, समझ में आ गया। मैंने ऐसा बताया, मैंने कहा कि देखो चार्ज कैन एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो आप मुझे एक ऐसा सीन बताओ जहां पर मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, जहां पे मास चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सके। बस खत्म, यही तो बोलना था,
ये देखो ये रखा हुआ है, मैं कल तीन दस दिन से इसको छोड़ करके आया हूँ, क्लास में आया हूँ, रब नहीं किया किसी से, तो भैया ये क्या है, ये जो क्लोथ रखा हुआ है इस क्लास में, या मेरे हाथ में जो पेन है, मेरे जेब में जो पेन टंगी हुई है, तो वो मास है कि नहीं है? मास है कि नहीं है, बट उसमें क्या चार्ज है ना, न्यूट्रल है। क्या है वो? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो भैया नेट चार्ज बराबर कितना? जीरो। ये बोर्ड है, बोर्ड है, अगर इसको रब नहीं किया गया है तो मास तो है बट चार्ज नहीं है। अब आप मुझे ऐसा एक भी केस नहीं बता सकते हैं कि चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, कोई केस नहीं बता सकते हो, समझ गए ना, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि चार्ज किसके ऊपर आएगा? चार्ज उसके ऊपर आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके पास होते हैं? एटम के पास होते हैं। एटम किसके पास होता है? मैटर के पास होता है। हाँ, मैटर का मास होता है। एनीथिंग दैट दैट हैविंग सम मास एंड दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस, क्लास 9th की डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर, मैटर मतलब चार्ज की एग्जिस्टेंस के लिए मास होना जरूरी है, ठीक है ना। तो भैया चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज है डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग। चले जा रहे से रास्ते से जैसा माहौल हुआ वैसा डेवलपमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस, या तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए बहुत सारे, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। मन करेगा बार बार कि पॉजिटिव आके घुस गए, पॉजिटिव निकल गए, नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव को कुछ नहीं होता है, या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए या अंदर के इलेक्ट्रॉन चले गए, समझ गए ना। एटम की संपत्ति जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पॉजिटिव बन जाता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता तो निगेटिव बन जाता है। चलो भाई ये हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया हमने, बच्चों लिखिए। तो पहला टॉपिक मैंने क्वेश्चन कराया डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा क्वेश्चन लिखिए डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी करा दिया मैंने। तीसरा क्वेश्चन लिखिए राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी बताओ। अब बेसिक एकदम है, सब लोग जानते होंगे। देखो यार पहले क्या है, सुनो, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत हुई ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत हुई थी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत बड़े अद्भुत तरीके से हुई थी। ऐसे हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत की बेल्टिक सी है, वहां पर एक विशेष प्रकार का रेजिनियस पत्थर पाया जाता है, ठीक ना, उसको आपस में उन लोगों ने रगड़ा वो पत्थर को, जैसे हम बाल से एक पेन को रगड़ रहे हैं, मगर उन्होंने बाल और पेन का एक्सपेरिमेंट तब नहीं किया था, उन्होंने वो पत्थर वाला, उसको सब्सटेंस को बोलते हैं रेजिन, क्या बोलते हैं, रेजिन, उसको रगड़ा। उसको रगड़ने के बाद देखा कि वो जो रेजिन का पत्थर है वो कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ चीजों को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, समझ गए ना। तो उस समय तक उनके नाम भी नहीं लिए गए कि कौन अट्रैक्ट कर रहा है कौन रिपेल कर रहा है। बहुत साल बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, अमेरिकन फिजिस्ट, उन्होंने नाम दिया था कि एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, दो अलग अलग वैरायटी के चार्ज को कह दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो लिखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, सुन लो, लिखना तो खुद से ही है। चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, वन इज पॉजिटिव सेकेंड इज नेगेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल टूगेदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टूगेदर, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो दूर भागने का निशान फिजिक्स में क्या बनता है बच्चों, दूर भागने का निशान बनता है ये, ठीक है ना। तो बस ऐसा बना लो, ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, थ्योरी लिख के करना क्या है, मत लिखो थ्योरी, टाइम खराब होगा, सीधे समझो और क्वेश्चन करेंगे। लिखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टूगेदर, ये हो गया, ऐसा लिख लो, या कुछ लोग ऐसा बनाना चाहो ऐसा बना लो, क्या डाउट है भाई हमसे पूछो। ये लो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टुगेदर, ठीक है, क्या लिखा है, क्या बताया मैंने, लाइक चार्जेस रिपेल टुगेदर, अनलाइक चार्जेस एक प्लस और एक माइनस, क्या करेंगे दोनों बोलो, अट्रैक्ट। तो ये देखो अट्रैक्ट में ये दोनों एरो जो है सामने सामने लगा दो, हेड टू हेड, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस मैंने बता दी,
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब किसी भी बॉडी पर चार्ज की प्रेजेंस को नापने के लिए एक डिवाइस होती है, उसका नाम बता सकते हो? किसी भी बॉडी पर चार्ज की प्रेजेंस को नापने के लिए एक डिवाइस होती है, जैसे तुम्हारी बॉडी पर कितना चार्ज है, कितना नहीं है कि नहीं है, है ना, उसको नापने के लिए आपने कहा एमीटर। चलो उसके बारे में बात करेंगे। अगर उस बॉडी के ऊपर आप हाथ रख दोगे तो वो बॉडी बता देगी कि आपकी बॉडी में चार्ज है कि नहीं है। भैया उसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? हाँ, एमीटर का करंट, भाई करंट, एमीटर का काम करंट को मेजर करना है, चार्ज को डिटेक्ट करने का काम, मेजर नहीं बोल रहा हूं, डिटेक्ट बोल रहा हूं। तो चार्ज को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो लिखो लो भाई कॉपी में, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द चार्ज। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द चार्ज। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्लेन द मोशनल एस्पेक्ट, पहलू हिंदी में बोलते हैं, लिखिए एक्सप्लेन द मोशनल एस्पेक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज के मोशन है, मोशनल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द मोशनल एस्पेक्ट ऑफ चार्ज। चलो देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से दो चार मतलब आगे के भी चैप्टर रिलेट करेगा। बच्चों देखो, चार्ज का कौन सा एस्पेक्ट मोशनल एस्पेक्ट? नजरिया। चार्ज का मोशन वाला नजरिया। अगर चार्ज रेस्ट पे है, पहला लिखो चार्ज एट रेस्ट, केवल और केवल क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे शो करते हैं? ई से। किससे शो करते हैं? ई से। और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? तो बिल्कुल वेक्टर लगाओ इसके ऊपर, बिल्कुल सही, वेक्टर लगाइए। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो? बोलो, दिमाग लगाओ। अगर क्यों जीरो? कोई चीज है तो जीरो क्यों होगी? कोई चीज अगर है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, समझ गए ना? तो रेस्ट चार्ज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट चार्ज केवल क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपके हाथ में एक गुलाब का फूल है, रुका है गुलाब का फूल, गुलाब का फूल अगर रुका हुआ है तो चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा? खुशबू। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, समझ गए? मगर रेस्ट चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा है। अगर ऐसा लिखना हो, अच्छा ना लग रहा हो तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा है, मैग्नेटिक फील्ड मर गया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और साथ में एक और चीज बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी नहीं है, नोट करो। तो भैया अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो दो सेकेंड पॉइंट, एट मोशन, अगर चार्ज मोशन में है, सुनना आप ध्यान से, तुम गमले में फूल को हाथ में लेके दौड़ रहे हो, अब फूल है तो खुशबू तो देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, वो तो उसका जन्मजात नेचर है। बोलो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। और अच्छा, आपको पता है 10th क्लास में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया था, चार्ज मोशन में है, मोशन वाला चार्ज मतलब क्या? करंट। मोशन वाला चार्ज मतलब करंट। और 10th क्लास में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने आपको बताया था कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो बी में भी लगाओ यस, ठीक है ना? चार्ज एट मोशन, वेव इसमें नहीं होगी बेटा। अब एक उसका रीजन है बताता हूं, इसमें वेव नहीं बनेगी,
क्योंकि वेव बनने की एक शर्त है। वेव तभी बनती है जब पार्टिकल का मोशन कैसा हो, एक्सेलरेटेड हो। कैसा मोशन हो? एक्सेलरेटर। ये बात आपको भूल इसलिए चुकी होगी क्योंकि 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, है ना। वेव तब बनती है जब पार्टिकल का मोशन जो हो एक्सेलरेटेड मोशन हो। अब समझो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब, मैं अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा हूँ, है ना, अंकल जी वाला स्कूटर चला रहा हूँ, बिल्कुल फिक्स वाला जो फिक्स स्पीड से जाकर के लेकर के आते हैं, समझ गया ना, तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो जब मोशन की बात हो रही है, जब चार्ज में मोशन में है, और कैसा मोशन, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए सेकंड पॉइंट में, इसको लिखना चाहिए मेरे को यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको अकेला मोशन मेरा लिखना गलत है, क्योंकि मोशन में तो दो मोशन आते हैं, एक आता है एक्सेलरेटेड मोशन, एक आता है यूनिफॉर्म मोशन। तो मतलब अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन मतलब बिल्कुल स्कूटर के जैसे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यस ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वेव नहीं बनेगी। मगर यदि चार्ज ऐसे उल्टी सुल्टी स्पीड के साथ बढ़ते हुए घटते हुए चल रहा, मतलब गाड़ी में एक्सेलेरेशन है, समझ गए ना, गाड़ी में एक्सेलेरेशन है। जब आप ऐसे करते हो ना, एक्सेलेरेटर देते हो ना, तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। या ब्रेक मारते हो तो घटती है। अगर तीसरा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है मतलब एक्सेलरेशन है। सो नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, और साथ में बनेगी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उल्टा सुल्टा कैसे भी, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव, चलो ठीक है। तो ये है मोशनल इफेक्ट ऑफ चार्ज। मोशनल मतलब चार्ज का मोशनल नजरिया, कि चार्ज मोशन करेगा तो कैसा होगा। तो देखो चार्ज रेस्ट पे है, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू। जब तक चार्ज रेस्ट पे रहेगा, कब तक रहेगा? चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू। फिर आएगा चार्ज मोशन पे, चार्ज मोशन पे आएगा तो मिलेगा अपन को चैप्टर नंबर थ्री, चैप्टर नंबर थ्री, करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए। फिर चार्ज मोशन पे आने के साथ साथ क्या डेवलप करेगा अपने चारों तरफ? मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर नंबर फोर। चैप्टर नंबर फोर पूरा पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की आपस में दोस्ती हो जाएगी, और मिल करके बनाएंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर सिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर करंट का एक और तरीका अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर सेवन, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर नंबर एट, ठीक है ना। मतलब पूरा ये यहां तक आपकी जो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पूरा कनेक्टेड है ये, जो आपकी बुक का पहला पार्ट है, पूरा बुक का पहला पार्ट है, फुल कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स शुरू होगी सेकेंड हाफ में, तो अभी तो पहला हाफ कर ले। चलो भाई पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा तीन तीन क्वेश्चन हो गए, अब चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। लिखो डिफाइन पॉइंट चार्ज, अगला क्वेश्चन लिखो डिफाइन पॉइंट चार्ज। नोट से पढ़ा रहा हूं, घर में लिखना आराम से बैठ करके, नोट्स प्रिंट करा लेना, बार बार देखने में बड़ी दिक्कत होगी तुम लोग को, ठीक है ना। हाँ, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता था? पॉइंट चार्ज को ध्यान देने के पहले पॉइंट मास पे आओ। पिछले साल पॉइंट मास की बात की, याद करो, इतनी बड़ी मोटर कार हुआ करती थी, और मोटर कार ये स्पीड वो स्पीड, तो मन जानता होगा कितने क्वेश्चन लगाए तुम लोगों ने 11th में मोटर कार वाले, दो तीन दस लगा लिए हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये गाड़ी चल रही है, हाँ मोशन में थे ना, एक गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा रही है, उसके अंदर 50 किलोग्राम का एक बैठा हुआ है मामू गाड़ी चला रहा है, एक बच्चा 32 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, बताओ उसको कितने पहले ब्रेक मारना पड़ेगा, है ना, कि वो उस पर एक्सीडेंट ना हो। ऐसे क्वेश्चन थे, यस। तो ऐसे क्वेश्चन थे, तो इन सभी क्वेश्चन में हम पूरी की पूरी कार को हम क्या एक मानते थे? पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते। तो अगर हम पूरे मास को, डिस्ट्रीब्यूशन को, पूरे मास बॉडी को एक पॉइंट मानते थे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास। आज हम किसी बड़ी सी बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। लिखिए कॉपी में। तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन क्या है? देखो, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द चार्ज, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द चार्ज
इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड. ऑल द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, किसी बॉडी का पूरा चार्ज जहां पर कंसंट्रेट होता है, जाकर के थम जाता है, रुक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज. क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज. है ना, ऐसा पॉइंट मानो किसी बॉडी का जहां पर पूरा का पूरा चार्ज कंसंट्रेट हो. लास्ट ईयर कार के लिए एक पॉइंट मान लेते थे, और आप लोगों ने भी मतलब कोई बॉडी है, जैसे उसमें तो बहुत कुछ पढ़ाया गया होगा आपको मैकेनिक्स में. जैसे ये बॉडी है, अब इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब मेरे को इसको फिजिक्स में बनाना है, तो मैं इतनी बड़ी शीट बना के नहीं करूंगा इसके न्यूमेरिकल. है ना, क्या करता था मैं, इसका मास मुझे लेना पड़ता था, तो मैं हर पॉइंट का मास नहीं लेता था, मैं इसका सेंटर ऑफ मास लेता था. है ना, आपने देखा होगा कुछ बच्चे, ये तो खैर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, अच्छी बुक होती है, तो बच्चे इसको घुमाया करते हैं इस पॉइंट के अबाउट. तो वो पॉइंट के अबाउट क्यों घूमता है? क्योंकि वहां पर उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है. मतलब उस पॉइंट पर पूरा का पूरा मास केंद्रित है, उस पॉइंट पर इसका पूरा का मास जो है केंद्रित है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. आप बोलिएगा उस बच्चे को जो एक्सपर्ट घुमाता है, कन्हैया बन के घूमता है, जिससे बोलो कि भैया यहां से घुमा इसको किनारे से, घुमा किनारे से घुमा लोगे, नहीं घुमा पाओगे. ठीक है, तो भैया किनारे से नहीं घुमा पाएगा कोई भी, है ना, किनारे से नहीं घुमा पाओगे. किनारे से घुमाने के लिए फिर आपको इसमें एक होल करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? होल करना पड़ेगा. पूछोगे सर होल क्यों करना पड़ेगा, फिर क्या भैया होल करके क्या तुम उसका एक्सिस बनाओगे, और फिर उसको जो अपना सेंट्रिपिटल फोर्स दोगे हाथ से, वो उससे बैलेंस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा. समझ गए ना, इतनी जोर से वेलोसिटी दोगे कि वो गिर ना पाए, इतनी जोर से वेलोसिटी दोगे वो गिर ना पाए. चलो चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए, राइट द टाइप ऑफ मटेरियल. अगला क्वेश्चन, टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल. कितने टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं? तीन टाइप ऑफ मटेरियल, तीन टाइप ऑफ मटेरियल. कंडक्टर, देखो कंडक्टर क्वेश्चन है, जगह छोड़ देना, आंसर आपको लिखना पड़ेगा बाद में. कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. अब कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, देखो मामला किसका है बच्चों, सारा मामला है रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. अब L फिक्स कर दो, A फिक्स कर दो. सर कैसे फिक्स कर दें? तीन मटेरियल ले आओ, एक कंडक्टर ले आओ, एक सेमीकंडक्टर ले आओ, और एक इंसुलेटर ले आओ. कंडक्टर मतलब एक लोहे का रॉड ले आए, छोटा सा, इतना बड़ा, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का गिट्टा ले आए, इतना बड़ा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का गुटका ले आए. दूसरा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का, क्या बोला? सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर, क्या सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ले आए, चिप बंदी, मेमोरी चिप, ये ले आए. दूसरा इंसुलेटर, क्या ले आए? कार्बन का एक टुकड़ा ले आए, कार्बन का, जर्मेनियम भी है, सेमीकंडक्टर, ये ले आए भाई साहब. अब ये तीनों ले आए, मेटल ले आए, सेमीकंडक्टर ले आए, इंसुलेटर ले आए, तीनों की लेंथ सेम, तीनों की एरिया सेम, बोलो हाँ, मतलब लेंथ और एरिया तीनों के लिए सेम है, मतलब रेजिस्टेंस का कंट्रोल इन दोनों के बाहर हो गया. भाई जो चीज सबके लिए सेम है, फिर उस पर वेरिएशन होगा क्या? नहीं होगा. बचा किस पे? रेजिस्टिविटी. बचा किस पे? तो सारा पंगा एक्चुअली रेजिस्टिविटी का है, बस यही समझो. अब जो मेटल की रेजिस्टिविटी होती है ना, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, 10^-6 से कम हुआ करती, मतलब 10^-6, -7, -8, -9, 10^-14, बेटा कम नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा, कम हो रहा, क्योंकि पावर माइनस में बढ़ रही है. समझ गए ना, ये पावर माइनस में बढ़ रही है. इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है ना, वो 10^3 से ज्यादा, 10^6 से ज्यादा. यहां -6 से कम और वहां +6 से ज्यादा. रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? रेजिस्टेंस पे. और रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट. काहे की रुकावट? इलेक्ट्रॉन को चलने की रुकावट. समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की रुकावट है. तो बेटा क्या समझ में आ रहा है? अगर रेजिस्टिविटी 10^6 यूनिट क्या होती है? ओम मीटर. रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर. 10th क्लास का बैकअप रहता है थोड़ा बहुत. 10^-6 ओम मीटर से अगर कम है रेजिस्टिविटी तो कंडक्टर, और ये अगर ज्यादा है तो इंसुलेटर. समझ गए ना, 10^6 से ज्यादा है तो इंसुलेटर.
अब जरा देखो माइनस सिक्स से लेके प्लस सिक्स जाने में कितना बड़ा स्लॉट है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना। 10 की पावर माइनस सिक्स से इधर आओ, 10 की पावर माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, इतना बड़ा स्लॉट है। तो इस स्लॉट में जो मटेरियल जिसमें रेजिस्टिविटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी रो, रेजिस्टिविटी किससे शो करते हैं, रो, 10 की पावर माइनस सिक्स से लेकर के 10 की पावर सिक्स। ये थोड़ा मैंने रफ आइडिया दिया, इसको उससे नोट से देख लेना एग्जैक्टली क्या है, ऐसे पैरामीटर कोई किसी को याद नहीं हो पाते कि एग्जैक्टली कहां से कहां तक है ना। चलो क्लियर हो गया। तो ये होते हैं मटेरियल, तीन टाइप के मटेरियल होते हैं बच्चों, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाएंगे, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर, हाँ मेटल्स का, सारे मेटल कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब सेमीकंडक्टर का क्या पंगा है ये देखो, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो टेम्परेचर के हिसाब से काम करते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन फूट के निकल जाएंगे, और टेम्परेचर घटा दोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी लैटिस में फंसे रहेंगे। मतलब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर सेंसिटिव, लिख लो सेमीकंडक्टर्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। चलिए सेमीकंडक्टर्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, सेमीकंडक्टर्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव सेंसिटिव। ठीक है, अगला लिखो, अगला लिखो भाई, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी लिखो, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। कौन सा एडिशन होता है, स्केलर एडिशन। क्यों स्केलर एडिशन सर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब दो प्लस दो चार। देखो लिखो, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर का मतलब देखो क्या है, मान लो बच्चों ये कोई बॉडी है ना, कैसी बॉडी है, इंसुलेटर बॉडी। कैसी बॉडी है, कपड़ा है, कपड़ा, और इस कपड़े पर आपने चार्ज बिठा दिए, छिटक दिए है ना। कैसे छिटके, उस मेथड में मत जाओ, अब आपने छिटक दिए चार्ज, कुछ कितना छिटका देखो, यहां पे आपने मान लो माइनस दो कुलाम, यहां पर आपने प्लस फोर कुलाम, ठीक है ना, और यहां पर आपने प्लस टू कुलाम, और यहां पर आपने प्लस सिक्स कुलाम, चार्ज आपने छिटक दिए। अब मैं बोलूंगा बताइए टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो देखो ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल, और प्लस फोर और प्लस सिक्स क्या हो गया आंसर, दस कुलाम हो गया है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टेन कुलाम। यस, तो नोट कर लीजिए, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज को आपको कैसे ऐड करना है, स्केलर ऐड, क्या ऐड करना है, स्केलर। अच्छा एक होता है वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में एक फोर्स लगा दो न्यूटन का इधर से, और एक फोर्स लगा दो न्यूटन का इधर से, टोटल फोर्स दो और दो जीरो, क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहां वाला फोर्स यहां वाले फोर्स के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो वहां पे वेक्टर एडिशन एक अलग बात है, वेक्टर एडिशन वेक्टर क्वांटिटी के लगता है, मगर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर स्केलर एडिशन लगेगा। तो नोट कर लो, ये स्केलर एलजेब्रा से हो गया। तो क्या लिख सकते हो यार, इसको लिख सकते हो नेट चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर प्लस क्यू फाइव डॉट 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 डॉट, सारे एड करो। ओके, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, एडिटिविटी ऑफ। हाँ, सेकेंड लिखिए, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकेंड पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व्ड, सेकेंड पॉइंट इज चार्ज कंजर्व। चार्ज कंजर्व का मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसको आप बना ना सको और जिसको मिटा ना सको, बस उसके रूप परिवर्तित कर सको, समझ गए ना, उसके रूप परिवर्तित कर सको, ठीक है ना। एक कमरा है, उसमें आप हो और आपके हाथ में हमने मिट्टी दे दी, समझ गए ना, मिट्टी और पानी दे दिया, क्या कर सकते हो उस मिट्टी और पानी का, उसको मोल्ड करके शेप बदल सकते हो, बस उसको मोल्ड करके शेप बदल सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते हो ना, एक शेप से दूसरे शेप में वो चली जाएगी मिट्टी और पानी का इस्तेमाल करके,
है ना, मतलब वो जो क्वांटिटी है वो कंजर्व है, वो क्वांटिटी क्या है, कंजर्व है। अब इसको अपने भाषा में समझो, अपने इसको फिजिक्स के फॉर्म में समझो, जब आप चले थे यहाँ पे कोई बॉडी को लेकर के, जब आप चले थे वो बारात से आए थे, पहला वाला सीन याद करो, तो आपके ऊपर नेट चार्ज कितना था, जीरो था। नेट चार्ज कितना था, जीरो था। हाँ भाई देखो नेट चार्ज जीरो था। अब आप चले नेट चार्ज लेकर के जिस माहौल में गए, आपने दो इलेक्ट्रॉन लुटा दिए, ठीक है ना, इस माहौल में गए आपने दो इलेक्ट्रॉन लुटा दिए, तो दो इलेक्ट्रॉन लुटाए, सामने वाले ने जो चार्ज आएगा जो लूटेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, क्यू इक्वल टू माइनस टू इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा। और इसने जिस जो लूटा, जिसने दान दिया वो पॉजिटिव है ना, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, क्यू इक्वल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन। बोलो यस और नो, क्लियर है। देखो सिस्टम का पहले का चार्ज कितना था, जीरो, और बाद का भी चार्ज कितना है अभी देख लो, जीरो हो गया। माइनस टू प्लस टू कितना हुआ, टोटल करो जीरो। समझ में आ गया ना, मतलब चार्ज की केवल शेयरिंग हुई है ना, मगर टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जीरो नहीं कॉन्स्टेंट। लिखो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बेटा सवाल मन में आए तो रोकना मत, पूछना, कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो बताना। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अर्षिता क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक और एग्जाम्पल से समझो, एक और एग्जाम्पल से समझो, घर से शैंपू करके चले एकदम सूखे बाल लहराते हुए, कोचिंग आए, ठीक है ना, ड्राइंग खराब है, चलो ठीक है, और आपने जो है स्केल ले ली, चलो अभी स्केल, अभी बाल भी न्यूट्रल है स्केल भी न्यूट्रल है, तो भैया चार्ज ऑन स्केल इक्वल टू कितना, एंड चार्ज ऑन हेयर इक्वल टू कितना, इस पे भी जीरो कूलम, इस पे भी जीरो कूलम। मतलब सिस्टम में दो ही लोग हैं, एक ये है और एक ये है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड, जिससे कोई बाहर वाला आक्रमणकारी ना आए। ये हो गया, तो सिस्टम में दो लोग हैं, अब आ जाओ इनको रगड़ते हैं। अब ये तो पता है यार कि जब भी हम कॉम्ब को रगड़ते हैं सिर पे या स्केल को रगड़ते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, स्केल हो जाती है पॉजिटिव और बाल हो जाते हैं नेगेटिव। चलो रगड़ दिया, अब रगड़ दिया तो मान लो दो इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, तो बोलो अब स्केल का चार्ज कितना हो गया, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, स्केल का चार्ज कितना हो गया, माइनस टू ई, और हेयर का चार्ज कितना हो गया, प्लस टू ई। अब ये बताओ मुझे शुरुआत में रगड़ने के पहले सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था, जीरो, और रगड़ने के बाद में टोटल चार्ज कितना है। यार ये इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि प्रोसेस के पहले का टोटल चार्ज और प्रोसेस के बाद का टोटल चार्ज क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर जीरो रहेगा, नहीं 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 मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब मान लो अगर इसके पास शुरुआत में ही वन कूलम होता, शुरुआत में इसके पास वन कूलम होता तो इधर भी वन आता और इधर भी वन आता, पहले इधर का भी वन होता इधर का भी वन होता, क्योंकि दो ही लोग तो हैं यार, चार्ज आएगा कहां, समझ गए ना। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। थर्ड पॉइंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और कैसे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। तो बता दिया मैंने कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा, जैसे ये कोई बॉडी है, ये देने वाली है, ये लेने वाली, ये लेने वाली है। अब इसने पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ा, पहले तो न्यूट्रल थे, मतलब इस पे भी चार्ज जीरो, इस पे भी चार्ज जीरो, अब इसने इलेक्ट्रॉन पहला लिया तो इसके ऊपर जो अभी जो चार्ज आया वो कितना है, माइनस वन इलेक्ट्रॉन, है ना, माइनस टू, क्योंकि ले रही है तो नेगेटिव आएगी। एक और छोड़ा माइनस टू इलेक्ट्रॉन, एक और छोड़ा माइनस थ्री इलेक्ट्रॉन, और साइमल्टेनियसली इसका बिहेवियर देखो, एक छोड़ा तो क्या हो गया, प्लस वन इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया, प्लस वन इलेक्ट्रॉन,
एक और छोड़ा प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एक और छोड़ा प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, फिर एक और छोड़ा तो ये हो गया प्लस फोर ई और ये हो गया क्या माइनस फोर ई। अब इसके नजरिए से देखो तो ये क्या हो रहा है, क्या बन रहा है जनरल फॉर्म, इसका जो टोटल चार्ज बन रहा है वो बन रहा है क्यू इक्वल टू प्लस एन, एन मतलब छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई ई, और इसका क्या बन रहा है देखो ये बन रहा है क्यू इक्वल टू माइनस एन ई। तो दोनों को मर्ज करके लिखोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, नोट करो क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। राजू सर सर पेन में इंक नहीं है सर, अच्छा डार्क पेन नहीं सर, ब्लैक वाला दो एकदम गहरे डार्क चले एकदम। हाँ सर ठीक है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, लिखो टेंथ क्लास का क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, सुन के लगता है सीधे बोल दे वन है ना, हाँ याद है बच्चों को, वेरी गुड। देखो भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतने कूलाम। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर किसी बॉडी के पास वन कूलाम का चार्ज है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ठुसे होंगे उसके अंदर, समझ गए। चलो निकालते हैं फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू कितना होता है बच्चों एनी, अभी जो हमारी डिमांड है तो उसमें क्यू कितने कूलाम है यार, वन कूलाम, एन निकालना है और ई की वैल्यू कितनी होती है यार 1.6 × 10⁻¹⁹, एन निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वन डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁹ ऊपर चला गया बोलो कितना हो गया 10⁻¹⁹, और नीचे कितना बना 1.6, क्लियर है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो डेसिमल को तोड़ दो ऊपर कर दो 10, बोलो हाँ, अब 10 में 16 तो जाएगा नहीं डिवाइड, तो एक जीरो और दे दो तो ये क्या बन गया 10⁻¹⁸ कर दो और एक जीरो इसको उठा के दे दो 100, बोलो यस, और नीचे कितना है 16, 16 × 6 = 96, पता है 16 × 6 = 96 होता है ना, हाँ होता होगा कह रहे हो भाई यार, भूल गए तुम 16 × 6 = 96, कितना लेफ्ट ओवर बचेगा 4, 100 में से 96 जाएंगे बचेगा कितना 4, हाँ और 100 का 4 कौन सा हिस्सा 25, मतलब आंसर क्या आया 6.25 है ना, तो आंसर कितना 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ये एन की वैल्यू करके देख लो डिवाइड 100 में 16 का 6.25 आएगा, सवा 6 ठीक है, नोट करो तुम्हें आ रहा समझ, नहीं नहीं थोड़ा सा फेस आपका जो है ना वो रिस्पॉन्सिव नहीं दिखा तो मैंने इसलिए आपसे पूछा, या मे बी मास्क लगाए हुए हो आपको समझ में मेरे को नहीं आया ना, अरे ऐसा नहीं है मास्क लगाए होने से समझ में नहीं आता है, हंस रहे हो कि रो रहे हो कि क्या है, खुश हो कि निराश, ठीक है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, एड हो उसमें दिख रहे हैं स्टूडेंट कौन कौन बुरा है, हाँ हो देखो थोड़ा कौन, हाँ तो अब अगला क्वेश्चन लिखो होमवर्क, लिखो अगला क्वेश्चन होमवर्क, हाँ होमवर्क लिखो, देखो एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के तरीके, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग,
एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग. आमीन बेटा, समझ में आ रहा तुमको क्लास में? क्लियर हो रही सारी चीजें? यस सर. एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के वेरियस मेथड बताओ. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इसमें. तो भैया देखो, अब ये देखो यहाँ पे लैपटॉप चार्ज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन. क्या है? चार्जिंग बाई कंडक्शन. कुछ नहीं है चार्जिंग बाई कंडक्शन में. क्या है? एक आपके पास चार्ज सोर्स होगा बड़ा सा. ये बड़ा सा चार्ज सोर्स है इसमें, जिसपे लबालब चार्ज भरा हुआ है खूब सारा. और ये वो बॉडी है जिसको आपको चार्ज करना है. समझ गए ना? ये वो बॉडी है जिसको आपको चार्ज करना है. इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है. जिसके ऊपर चार्ज बहुत भरा होता है बेटा, उसको फिजिक्स में बोलते हैं हाई पोटेंशियल. क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल आप भी अपनी लाइफ में यूज करते होगे ना, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल. तो जिसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है वो हाई पोटेंशियल है. मान लो जैसे कहीं पर पानी जबरदस्त भरा हुआ है और आपने उस पानी को, जबरदस्त भरे हुए पानी को, ऐसी जगह में कॉन्टेक्ट कर दिया है जहां पे पानी बिल्कुल नहीं है या पानी कम है. तो बताओ कहाँ चलेगा पानी? ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ कि कम से ज्यादा की तरफ? ज्यादा से कम की तरफ. एग्जैक्टली. तो क्या है यहाँ पे? हाई पोटेंशियल पे चार्ज है. और अगर आप इसको एक मेटेलिक वायर के थ्रू कंडक्ट कर दोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा चार्ज इसमें भी आ जाएगा. अब कितना आएगा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में, जब मैं आपको पोटेंशियल कर दूंगा. सेम तब होगा जब दोनों के साइज बराबर होंगे. ये आप कर लो. हाँ, अब इसने पूछ दिया यहाँ पे कि सर सेम होगा, तो याद रखना सेम चार्ज तभी होगा जब दोनों के साइज बराबर होंगे. समझ गए ना? दहेज वाली शादियां देखे हो? कभी नहीं देखे हो? हाँ, इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा है. तो भाई दहेज वाली शादियों में जो दहेज तय होता है ना, लगभग उसी हिसाब से चार्ज भी तय होता है कि लड़के वाले को कितना मिलेगा और लड़की वाले को कितना मिलेगा. चलो ऐसा हो गया तो खैर इसकी बाद में करेंगे. तो भैया पहला क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग. पहली चार्जिंग रहेगी चार्जिंग बाई कंडक्शन. पहली चार्जिंग है चार्जिंग बाई कंडक्शन. हाँ नहीं बता, समझा दिया, पढ़ना अपने से थोड़ा सा पढ़ के आओगे. दूसरा लिखो चार्जिंग बाई इंडक्शन. दूसरा है चार्जिंग बाई इंडक्शन. चार्जिंग बाई इंडक्शन ठीक ना? थ्योरेटिकल टॉपिक थोड़े आप लोग भी करवाए आपसे. चलो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे बच्चों कूलम्स लॉ. ठीक है ना? आज की थ्योरेटिकल टॉपिक इतना ही. अभी मैथ्स की क्लास लगेगी. हाँ जी.